गाइस मैंने तो चिमनी इसलिए नहीं लगाई थी कि धुआं नहीं आएगा। धुआं भाई कितना इस पे जम गया सारा। पहली कुकिंग का सत्यानाश कर दिया भाई मैंने अपने किचन का, नहीं का पहली कुकिंग में ही। नॉट बैड नॉट गुड, मीडियम सी बनी है यार, सत्यानाश कर दिया मैंने। वैसे मुच्छी मुच्छी बिक रही है भाई पूरी, कितनी बड़ी बड़ी फिश है भाई यहाँ पे, जो कितनी लंबी है ना ये बहनचोद। इनके पीछे ना मेरा मन करता है डंडा लेके इनको दड़ाऊं भाई। बहनचोद चूतिया बनाते हैं भाई सभी। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग। सो गाइस यू नो, जैसे कि पता ही है कल हमने किचन स्टार्ट कर दिया, तो आज मैं करने जा रहा हूँ अपने किचन में फर्स्ट कुकिंग, जो कि मैगी बनाऊंगा। मेरी फर्स्ट कुकिंग है। कुकिंग तो पहले हो चुकी है, सुबह खाना बना, रात को खाना बना, उसके पहले प्रसाद बना, एंड मेरी फर्स्ट कुकिंग है। सो चलो बिना टाइम गवाए बनाते हैं भाई अपनी फर्स्ट कुकिंग। मैगी ही बनाऊंगा सबसे पहली कुकिंग भाई, बाकी किचन हमारा देख ही सकते हो आप, थोड़ा गंदा लग रहा है। मैंने जैसे कल बताया कि इस पर पॉलीथीन चढ़वा, पॉलीथीन इसीलिए नहीं उतार रहे क्योंकि ऊपर पुट्टी वगैरह का काम होगा, तो वो खत्म होगा उसके बाद करेंगे। सो गाइस किचन में तो आ चुका हूँ मैं भाई, बट मेरे को अभी बर्तन ही नहीं पता लग रहे भाई, है ही नहीं क्योंकि इधर बाकी जो बनाने वाले बर्तन है वो थोड़े काले थे। मम्मी ने बोला कि काले बर्तन किचन में घुसना नहीं चाहिए, वो मैंने वो तो रख दिए थे, गिलास वगैरह चम्मच कटोरिया वगैरह सारे रख दिए थे। सो बनाने वाले बर्तन अभी हमारे पुराने किचन में ही पड़े हैं, वही उठाने पड़ेंगे वहाँ से। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, फिर दिमाग चला कि वहाँ से भाई आधे से ज़्यादा सामान वहीं पड़ा है अभी। ये देखो आधे से ज़्यादा सामान इसी किचन में पड़ा है, क्या पहन दे रहा है, पूरा सामान ही पड़ा है टोटली भाई, सारा ही पड़ा है। ये देखो फ्रिज में पे, ये फ्रिज तो वैसे है नहीं हमारा, ये हमारी आंटी का जो पहले ले लेते हैं, हम नया लेकर आएंगे अभी 4-5 दिन में। सो यहाँ से मैगी किस वक्त नहीं बनेगी ऐसे ही नहीं पता मेरे को। गाइज आ चुका है भाई टोटली मटेरियल हमारा, और जुगाड़ किया हुआ है बल्लों का क्योंकि वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी। सो ये बर्तन भी आ चुका है, और आज मेरा मन कर रहा था कि तड़के वाली मैगी खाऊँ, इसलिए प्याज और मिर्च ले आया मैं, वरना मैं तड़के वाली खाते हैं तो नॉर्मल 2 मिनट लगते हैं भाई बनाने में, उसको डालो मसाला डालो मैगी रेडी है। तो आज तड़के वाली खाने का मन कर रहा है क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया मैंने, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। सो सबसे पहले भाई अपना मुंह मीठा किया जाए, यू नो मुंह मीठा इसीलिए किया जाए क्योंकि मैं भूख लग रही है गंदे वाली, और कोई रीज़न नहीं है, कल प्रसाद के साथ हो गया था यहाँ का तो मुंह मीठा, और मेरे को घुटने लगा के नीचे बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लाइट है नहीं फिलहाल, मैंने जुगाड़ करके बल्ब चलाया और यहीं पे लाइट अच्छी आती है। चौको पाए सबसे पहले प्याज काटते हैं भाई, प्याज जान निकाल देता है इसलिए मैं तड़के वाली मैगी नहीं खाता था, वरना स्वाद सबको लगती है, बट प्याज काटने में जो दिक्कत आती है ना वो थोड़ी आपको पता ही है। हे भगवान अभी से भाई आंखों में अगर एक बार जाने लगा ना तो भाई चले जरूरत नहीं है भाई इतना, क्या आप पीस करने शादी में थोड़ी है, हलवाई का काम थोड़ी करना है बस। ऐसे भाई इजीली काट दिया, देखो कितना अच्छा काटा है। वैसे भाई आपके भाई ने एचएम भी की है, बट वो बात अलग है कि वो 2 महीने बाद छोड़ दी थी, और उस 2 महीने में भी सिर्फ मैं 15 दिन गया था वहाँ पे, और उन 15 दिन में से सिर्फ 4-5 क्लासेस लगाई थी, और चार पांच क्लासेस भी थ्योरी वाली नहीं थी, वो पढ़ाई की थी उसमें भी बस ऐसी थी मेरी एचएम। अपना मसाला हो चुका है गाइस रेडी। गाइस अभी है भाई टाइम अपना गैस ऑन करने का हॉब, सो सबसे बड़े वाला करेंगे, ये सबसे बड़ा है यहाँ पे, जल्दी बनेगा। चलो गाइस इसमें बुरे हाल से पानी है भाई पहले, गाइस मैंने तो चिमनी इसलिए नहीं लगाई थी कि धुआं नहीं आएगा, धुआं भाई कितना इस पे जम गया सारा। एक तो ना पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बोर्ड लगाना पड़ता है, एक्सटेंशन बोर्ड लगा के चलती है भाई ये, शुक्र है भगवान का मम्मी ऊपर है मेरी, ये देखो कितना धुआं आ रहा है भाई, क्या करें अब। तो भाई
चिमनी पे जम गया सारा, नीचे किधर जा रहा ऊपर। गालियां देगी मेरी माँ मेरे को, बच गया। पानी डालो इसमें भाई, मैं की गई अपनी बाढ़ में, मर जाऊंगा भाई मैं तो ऐसे ही। देखो कैसे जम गया इस पे, हाथ पे सरसों का तेल, इधर सरसों का तेल। पहली कुकिंग का सत्यानाश कर दिया भाई मैंने अपने किचन का, नहीं का पहली कुकिंग में ही इतना। भाई मेरी मम्मी ने 3 टाइम का खाना बना लिया तब नहीं हुआ होगा जितना मैंने सिर्फ एक पल की मैगी में कर दिया। अभी क्या कर सकते हैं, हो गया हो गया। अभी मैगी डाल दो इसमें, सारा सूई सूई करी जा रहा है भाई, इसको पता नहीं क्या दिक्कत हो चुकी है। और मैगी मसाला भी साथ में डालते हैं कि बाद में, मैं तो साथ में ही डाल देता हूँ बस। गर्म है गाइस, इतने ये बन ली अपनी मैगी, बट ये जल जाएगी इतने में तो भाई। मैं सोच रहा था ये उठा दूँ सारा गंद जो डाल दिया मैंने। हे भगवान, जो यहाँ से बाहर निकलो धुआं कितना है, दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा। बड़ा धुआं हो गया भाई बाहर, जल गया ये भी देखो काला हो गया भाई। ये मैंने गलत में उसमें को लगता ज़्यादा तेज कर दिया मैंने। ये पहली कुकिंग गई सत्यानाश भाई, चलो मैगी बन चुकी है। ये मैंने ज़्यादा तेज कर दिया, ये जल गया, चाय वाला था ये मम्मी। चलो हो गया सो हो गया, अभी इसको उठा देते हैं भाई कचरे को। तो गाइस ऐसी रही कुछ भाई हमारे नए किचन की मेरी पहली कुकिंग, मेरी पहली कुकिंग। मम्मी की तो 3 कुकिंग अच्छी रही भाई, मेरी कुकिंग ऐसी रही पहली। इसको क्लीन भी करना है भाई, ऐसी ही नहीं गालियाँ खानी। ये देखो कितना मैगी मसाला गिरा हुआ इस पे। चिमनी भी बेचारी हमारी जिस काम के लिए थी, जिसको भगाती है ये, वो खुद ही इसके ऊपर आ गया भाई, उस पर हैवी हो गया भाई। धुएं को ही भगाती है, धुआं इसके ऊपर आ गया आज मेरी वजह से। वो भी ऑफ कर दिया ना ये। चलो अपनी बट मैगी रेडी हो चुकी है। सो गाइस अपनी मैगी अपने रूम में लेकर आ चुका हूँ मैं, और मैगी के साथ खाएंगे हम चपाती, क्योंकि इसका मजा अलग है। मजा अलग नहीं है, बस कम है थोड़ी भाई। मज़ा तो वो ऐसे बोलती दुनिया, बस कम होती है ना जब, फिर यही होता है कि चपाती खा लें थोड़ी भूख मिट जाएगी। ऐसी दिख रही है, कुछ प्याज ही प्याज है इसमें। गाइस टेस्ट चेक करते हैं, नॉट बैड नॉट गुड, मीडियम सी बनी है यार, सत्यानाश कर दिया मैंने वैसे। सो गाइस इट्स 6 PM शाम के, सो PM बेंचो शाम ही होता है। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ भाई, मंडे आज सुबह तो यहाँ पे मैंने मैगी मुगी बना के खा ली, उसके बाद अभी ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो मंडे के बाद इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम करेंगे चीट मील। आज बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बर्गर वगैरह सब कुछ खाने का मन कर रहा है। सो खा पी के आते हैं आराम से भाई, मज़े से। ये बुरा नहीं लगेगा मेरे को लगता है, मेरा भाई किसी और का था भाई। सो आराम से खा पी के आएंगे, मज़े से मजे करेंगे भाई। बाकी सर्दी बहुत है बाहर, और कच्छा पहना हुआ है मैंने, मैं इसलिए नहीं पहन रहा क्योंकि मैंने आके नहाना है, और इसी मेरे को लेजीनेस में भाई मैं बीमार हो जाऊंगा। थोड़ा देखिए कि जो होगा, एक्टिवा गाड़ी बुलेट बुलेट। सो गाइस मैं अंडे ले लिए अपने भाई शीरो के लिए, और ये पूरी स्ट्रीट मार्केट है देखो, सब्जियाँ सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सो अभी खाएंगे आगे से मोमोस या गोलगप्पे, दोनों में से कुछ एक। मोमोज मोमोज।
ओ भाई साहब मेरी तो अभी नजर गई, यहाँ पे तो मच्छी मुच्छी बिक रही है भाई पूरी। कितनी बड़ी बड़ी फिश है भाई यहाँ पे, जो कितनी लंबी है ना ये क्या कर रहे हैं भाई। और कितनी जनता खड़ी यहाँ पे भाई मरे हो जीप को खाने के लिए। सो गाइस घर पहुंच चुका हूँ, बट आज मजा ही आ गया भाई। मैंने जो पहले सबसे पहले कहा खाया मैंने गोलगप्पे, एंड उसके बाद खाया पता था ऊपर देखेगा भाई, और गोलगप्पे के बाद खाया मैंने भाई मोमोज फ्राई, और उसके बाद फिर दही वाले गोलगप्पे खाए, तो मज़ा आया ना खाने के बाद भाई। अभी मैं घर पे भी ले आया हूँ, किचन में पड़े हैं मेरे। सो जिसको भी खाने हैं वो मेरी तरफ पाँच किन्ने से पहले देखना पड़ेगा उसको। एक साला भूखड़ जिंदगी तेरी ऐसे निकल जाएगी बेटा, फोन छोड़ दे वरना लोगों के सर पे ही खाएगा, सही बात है ना। सो गाइज एक तो इस सर्दी में भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है ना। देखो अभी आया था, अभी इसको घुमाने आ गया मैं शीरो को, बिल्कुल खेतों में नदी में भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत हैं, बट कैमरे के आगे ऐसे सिंपथी खाओ नहीं बनूंगा मैं। कुछ लोग भाई एक चीज़ नहीं समझाते, कुछ लोग रोने लग जाते हैं सामने बहनचोद, इनके पीछे ना मेरा मन करता है डंडा लेके इनको दौड़ाऊँ भाई। बहनचोद चूतिया बनाते हैं भाई सभी, कैसे रो सकता है भाई कोई। अगर किसी के सामने इंसान बैठा है तो मैं समझता हूँ कि इमोशंस आ जाते हैं बाहर, बट कैमरे के साथ रोता है ना जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, जो कैमरे के सामने अकेला बैठ के रोता है उस पर बिलीव मत करना भाई। फुद्दू बनाते हैं बस और कुछ नहीं है, नहीं आ सकता यार कैमरे के साथ कोई इमोशन नहीं आ सकता भाई, सिर्फ आप बातें शेयर कर सकते हो क्योंकि वो मशीन है कैमरा, है ना। मशीन के साथ इमोशंस अटैच होते हैं, बट आप उसके साथ ऐसे रोते हैं, रो के बताएंगे, सिंपथी खाएंगे, दुनिया को तरस दिलवाएंगे अपने आप पे भाई। इन पे तरस नहीं, इनके पीछे डंडा लेके पड़ो। चल भाई शिरो तेरे पीछे पड़ जाऊंगा अगर तूने ये शैतानियाँ करी। लेट्स गो, अभी सुबह से नहीं नहाया भाई मैं, सच बता दूं अगर आपको, क्योंकि टाइम नहीं मिला, अभी नहाऊंगा घर जाके। सो गाइज अभी नहा धो लिया हूँ मैं भाई पूरा, एंड शिरो को घुमाने के बाद भाई भूख भाई लग जाएगी, इसीलिए लंबा घुमाने गया शिरो को। बट इतना बाहर आज का फास्ट फूड इतना गंदा खा गया ना, घर पे आके खाने नहीं खाया मैंने भाई, खाने छोड़ दिया। अभी एक एप्पल खाऊंगा उसके बाद सो जाऊंगा, और आज का ब्लॉग यहीं तक करते हैं ख़त्म। बाय बाय, गुड नाइट। बहुत ठंडी है भाई, कंबल में घुस के सोया करो, जो दो दो हैं वो भी कंबल में घुस के सो, और जो अकेला है भाई उसको भी कंबल चाहिए आजकल तो, क्योंकि सर्दी बहुत है।